नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना, हमारे यूट्यूब चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट विनर। सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा हर सोमवार को क्योंकि हमारे चैनल पे वीकली गिव अवे चलता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो आई है रेलवे के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा और सैलरी मिलती है इसमें अप टू 40,000 रुपीज पर मंथ। इसके लिए ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स की सीधी भर्ती और यहाँ पर फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, किसी के लिए कोई भी अप्लीकेशन फीस नहीं है। और इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए जानते हैं इसके डिटेल्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको और भी 4 वैकेंसीज के डिटेल्स बताऊंगा शॉर्ट में। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट डिटेल्स पढ़ के। यानी कि पहले मैं आपको 4 वैकेंसीज बताऊंगा शॉर्ट में, देन आपको बताऊंगा रेलवे वाले वैकेंसी के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी के बारे में। तो चलिए जानते हैं 5 वैकेंसीज के डिटेल्स वन बाय वन। वीडियो पूरा देखें, लास्ट में रेलवे की वैकेंसी बताया हूँ। दोस्तों पहली वैकेंसी आई है TRBT के डिपार्टमेंट से, पोस्ट है ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के। टोटल वैकेंसी 3611 है, सैलरी मिलती है 20,475 रुपये से लेकर 26,025 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट, PG डिग्री, BSc, MA, MSc, BEd वाले अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 साल और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 19 जनवरी 2019 और कंप्लीट डिटेल्स का लिंक शो कर रहा है। अगली वैकेंसी आई है UP SSC के डिपार्टमेंट से, यहाँ पर पोस्ट है मंडी इंस्पेक्टर आर्मी, जूनियर असिस्टेंट स्टीनोग्राफर, मार्केट सुपरवाइजर और अकाउंट क्लर्क के। टोटल वैकेंसी है 284, सैलरी मिलती है 5,200 रुपये से लेकर 35,400 रुपये तक। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन डिग्री, आयु सीमा 21 से 40 साल, लास्ट डेट इसकी 26 दिसंबर 2018 और कंप्लीट डिटेल्स का लिंक शो कर रहा है। अगली वैकेंसी आई है APPSC के डिपार्टमेंट से, यहाँ पर पोस्ट है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के। टोटल वैकेंसी 24 है, सैलरी मिलती है 31,460 रुपये से लेकर 84,970 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन डिग्री, आयु सीमा है 18 से 28 साल, लास्ट डेट अप्लाई करने का 31 दिसंबर और अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है। दोस्तों फोर्थ वैकेंसी आई है APPSC के डिपार्टमेंट से, यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के। टोटल वैकेंसी 23 है, सैलरी मिलती है 31,460 रुपये से 84,970 रुपये तक। क्वालिफिकेशन है BTEC डिप्लोमा, आयु सीमा है 21 से 34 साल और इसकी लास्ट डेट है 2 जनवरी 2019 और इसके कंप्लीट डिटेल्स का लिंक शो कर रहा है। दोस्तों अब जानते हैं हम रेलवे वाली वैकेंसी के बारे में, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में। लेकिन उससे पहले आज का गिव अवे क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शंस हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर वेदव्यास। अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट विनर। चलिए जानते हैं 5th वैकेंसी के डिटेल्स। दोस्तों डिटेल्स देने से पहले बता दूं आपको कि इन 5 वैकेंसीज को अप्लाई करने का लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में, तो आप वहां से चेक कर लें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है सेंट्रल रेलवे, पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डिजिटल ऑफिस असिस्टेंट की। कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया है और सैलरी इसके लिए मिलती है 28,000 से 40,000 के बीच में। सिलेक्शन बेस्ड है, पर्सनैलिटी टेस्ट पर कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ऑनली पर्सनैलिटी टेस्ट होगी और यहाँ पर अप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। आयु सीमा है मैक्सिमम 30 साल। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर अप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इसके लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2018। जॉब टाइप है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है।